नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कई फिल्मी और टीवी सितारों के परिवार वालों को अपना शिकार बनाया है। इसमें टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट अभिनेत्री निक्की तंबोली के भाई भी शामिल है। बीते महीने कोरोना वायरस की वजह से उनके भाई का निधन हो गया था, जिसके बाद निक्की तंबोली भावनात्मक रूप से काफ़ी टूट गई थी। भाई की मौत के एक महीने बाद अब निक्की तंबोली ने फिर से अपनी रिएक्शन दी है। एक खबर के अनुसार निक्की तंबोली ने अपने भाई के गुजर जाने पर दुख जताया। निक्की ने कहा कि भाई की मौत के बाद वे कभी अपने माता पिता के सामने नहीं रोई, साथ ही उन्हें ऐसे कोई इंसान नहीं मिले जिसे वे अपने मन की बात बता सके। निक्की तंबोली ने कहा कि ईमानदारी से कहूँ, मुझे कोई वही मिला ही नहीं जिसके साथ मैं बैठ कर इस बारे में बात कर सकूं। निक्की तंबोली आगे कहती हैं कि यहाँ तक कि मैंने अपने माता पिता से भी बात की, मैं अभी केप टाउन में हूँ, मैं अब भी उनसे बात नहीं करती। वह कहती हैं कि मैं अपने माता पिता से बात नहीं कर सकती कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं उनके सामने कमज़ोर बनूंगी और रहूँगी तो मुझे नहीं पता कि वह कैसे महसूस करेंगे। मैं उन चीज़ों को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ जो भी अब हुआ है, और मैं इसे भूलने और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले महीने निक्की तंबोली ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी थी कि उनके भाई जतिन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। भाई की सलामती के लिए निक्की ने घर पर पूजा भी रखी थी, लेकिन जतिन कोविड 19 वायरस से लड़ नहीं पाए और इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। भाई के निधन के बाद निक्की ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके लिए एक भावुक पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे नहीं पता था आज सुबह भगवान तुम्हारा नाम लेने वाले हैं। इस पूरी घटना से निक्की तंबोली को काफ़ी दुख हुआ था। वहीं अगर निक्की तंबोली के वर्क फ्रेंड की बात की जाए तो निक्की इस समय केप टाउन में है और रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 का हिस्सा बनी हुई है। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।